क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए रोम्बस इज फॉर्म्ड ऑफ द रोड्स ईच वे डब्ल्यू एंड लेंथ एल विद स्मूथ ज्वाइंट्स, इट रेस्ट सिमेट्रिकली विद टू अपर साइड इन कॉन्टैक्ट विद टू स्मूथ पेग्स। यहाँ तक देखना बेटा, मेरे पास एक रोम्बस है, सपोज दैट ये मेरा कोई रोम्बस है, मान लिया जाए मेरा रोम्बस ये, ओके मैं कह रहा हूँ कि मेरे रोम्बस की ये तो ए है, ये मेरा बी है, ये सी है और ये डी है। ए रोम्बस इज फॉर्मेड ऑफ द रोड्स, हर एक रोड से मिलकर बना हुआ है, ये लंबाई मेरे को दे रखी है एल, ये लंबाई भी मेरे को एल दी हुई है, ये वाली लंबाई भी मेरे को एल दी हुई है और ये भी मेरी लंबाई इक्वल लेंथ एल है, ओके आगे देखना चाह रहा हूँ। और इस रोड का वेट, इस रोड का वेट, इस रोड का वेट, सबका वेट कितना है भाई, डब्लू है, तो जाहिर सी बात है डब्लू इसके सेंटर के ऊपर यहाँ के ही काम करेगा, बाद की बात है। कहना चाह रहा है कि इट रेस्ट सिमेट्रिकली विद टू अपर साइड, मतलब जहाँ ये वाली अपर साइड इसकी, क्या तो ये वाली और ये वाली अपर साइड हो सकती है, अगर मैं ग्राफ को उल्टा कर लूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड अपर हो सकती है, जिस तरह से आपके सामने नज़र आ रहा है ए बी और ए डी इसकी अपर साइड है, ओके ये जो अपर साइड है रेस्ट इन द कॉन्टैक्ट टू स्मूथ पेग्स एट सेम लेवल। यहाँ एक खूंटी है, सपोज दैट ये एक खूंटी है और ये एक दूसरा पैग है, इन दोनों पैग के बीच में जो है ना ऐसे लटका हुआ है और ये स्मूथ है, क्लियर समझ आ चुकी बात, आगे देख रहा हूँ। और दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी 2a है, मान लिया ये पैग मेरा p है, सपोज दैट ये वाला पैग p है और ये वाली खूंटी मेरी q है, पी क्यू मेरे को दे रखा है कि पी क्यू जो है वो कितना है 2a, ये गिवन है, ओके पहले से ही गिवन है, और मेरे को ये भी गिवन है कि भाई ए बी बराबर है बी सी के और बी सी बराबर है सी डी के और सी डी बराबर है डी ए के, डी ए के बराबर है और हर एक की लंबाई मेरी कितनी है एल है, मेरे को ये भी गिवन है, क्लियर है ना, आगे देखता हूँ। कहना चाह रहा है कि ये पी क्यू इसकी लंबाई 2a है, आगे देखता हूँ। ए वेट डब्लू डैश इज हंग एट द लोवेस्ट पॉइंट, यहाँ जो है ये जो लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पर एक वेट कौन सा लटका हुआ है, डब्लू डैश लटका है, ओके इफ एट द लोवेस्ट पॉइंट इफ द साइड ऑफ द रोम्बस मेक एन एंगल थीटा विद वर्टिकल, ये जो है वर्टिकल से देख रहा हूँ एंगल, बेटा अगर ये वेट ऐसे है तो जाहिर सी बात है वर्टिकल से एंगल जो होगा वो ये बनेगा, यहां से ऊपर से जो ये एंगल है ना ये मेरे को दिया हुआ है थीटा, ये वाला एंगल मान लो या ये वाला एंगल मान लो, रोम्बस है दोनों एंगल बराबर होंगे, क्लियर है ना, एंगल थीटा विद वर्टिकल, प्रूव दैट मेरे को साबित करना है या मेरे को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई कि साइन की पावर कितना, मेरे को प्रूफ करना है साइन की पावर, टू प्रूव दैट ये साबित करना है, टू प्रूव दैट साइन की पावर 3 थीटा इज इक्वल टू ए इंटू, इज इक्वल टू ए इंटू 4w प्लस के w डैश डिवाइडेड बाई एल इंटू 4w प्लस के 2w डैश, ये मेरे को साबित करना है सिद्ध करना है, ठीक है ना बेटा, आगे की तरफ चलता हूँ, देखते हैं मेरे को दिया क्या है क्वेश्चन के अंदर, जो है जाहिर सी बात है भाई ये फिक्स है, ध्यान से देखना फिक्स क्या है, ये कहना चाह रहा है रेस्ट रेस्ट सिमेट्रिकली विद द टू अपर साइड इन द कॉन्टैक्ट टू स्मूथ पेग्स, यहाँ से फिक्स किया हुआ है दूरी का मेजरमेंट यहाँ से होना है, ओके आगे देखता हूँ। तो जाहिर सी बात है भाई मैं इसको और इसको मिला सकता हूँ, मेरे को आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए,
क्लियर, मैंने दोनों को मिला दिया। और ये मिलाने के बाद ये इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ के काम करेगा। जी क्या होगा, इसका गुरुत्व केंद्र होगा यहाँ, इसका ये गुरुत्व केंद्र होगा। और 4W वेट, इसका वेट भी W दे रखा है, 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 तो जाहिर सी बात है 4W जो है ना यहाँ कहीं काम करेगा। क्लियर है ना? ओके, आगे की तरफ चलता हूँ मैं, जो जो मेरे को दिया हुआ है। क्लियर है ना? मैंने जो माना माना P एंड Q आर स्मूथ पैग्स, स्मूथ पैग्स, ओके। और साथ में ये जो पैग्स हैं P एंड Q आर फिक्स्ड, कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे देखता हूँ भाई। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, पहला क्या जानते हैं भाई, वर्क डन इज इक्वल टू जो होता है, वर्क डन बराबर होता है क्या होता है, फोर्स इनटू बल की दिशा में विस्थापन। फिर बता रहा हूँ, फोर्स इनटू बल की दिशा में विस्थापन इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। एक तो हम ये जानते हैं, दूसरी बात क्या है, हम ये भी जानते हैं वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल से, बाई वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल कि किसी समतल में वर्क करने वाले कार्यों का या कार्य का योग सदैव जीरो होता है। इस कंसेप्ट का मैं यूज करूँगा, ठीक है ना? देखते हैं कौन सा फोर्स कहाँ है और क्या फिक्स है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि P एंड Q आर फिक्स हैं। फिक्स तो हुई मेरी ये पोर्शन हुआ मेरा फिक्स, ये वाला फिक्स है भाई, अंडरलाइन कर दिया है। ओके, वर्क डन की बात कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखना। तो वर्क डन, एक तो लगा हुआ है 4W फोर्स लगा हुआ है, तो बाई वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल एक वेट जो लगा हुआ है मेरा, कितना लगा हुआ है भाई, पहले वाला वेट लगा हुआ है मेरा 4W, पहला वेट लगा हुआ है 4W, और दूरी देख रहा हूँ कौन सी है, 4W यहाँ लगा हुआ है बेटा। 4W के लिए जो है फिक्स है, 4W यहाँ लगा हुआ है, ये जो 4W लगा हुआ है ना, 4W के लिए फिक्स दूरी होगी, ये मेरा जी है, आप इसको एम मान लो, इस पॉइंट को 4W तो यहाँ काम कर रहा है ना, फिक्स बिंदु से दूरी देखो कितनी है, फिक्स बिंदु से दूरी हुई मेरे पास कितनी भाई, जी एम। क्लियर? आगे देख रहा हूँ, एक वेट लगा हुआ है ये, यहाँ लगा हुआ है W डैश आपके सामने है, ये प्लस, ये हुआ मेरे पास W डैश डेल्टा, इसके लिए दूरी कितनी होगी, सी, फिक्स बिंदु से दूरी देखो आप, सी एम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस देख लो ना, कितनी, सी एम, ये हुई मेरे पास सी एम इज इक्वल टू जीरो। सवाल पैदा होता है कि सर ये पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, फिक्स बिंदु से गहराई की तरफ है 4W, पॉजिटिव होगा, फिक्स बिंदु से नीचे की तरफ है, पॉजिटिव होगा, नो प्रॉब्लम। आगे देखता हूँ बेटा, ये वाली दूरी दे रखी है मेरे को इतनी ए, ये वाली दूरी दे रखी है मेरे को ए, यहाँ से यहाँ तक है मेरी ए, आपको ये भी डाउट ना लगना चाहिए। मेरे को सबसे पहले चाहिए है कितनी, जी एम, जी एम की बात कर रहा हूँ बेटा, ओके। सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज बनाया और जी एम कैलकुलेट करने की बात करूँगा मैं, ये मैंने ग्राफ इधर रख दिया थोड़ा सा, देखना बेटा कौन सा ट्रायंगल है जिसके अंदर मैं जीएम की बात करूंगा। एक तो है ये, एक है ये,
और एक है ये, क्लियर है ना। ये वाला पॉइंट तो है मेरा बी, ये वाला पॉइंट है मेरा ए, ये वाला कोण मेरा है थीटा, और ये वाला है मेरा जी। मैंने बात की बी जी ए की, कोण के सामने का कोण ये वाला तो होगा मेरा क्या, लंब, क्लियर। अगर ये तो इसके सामने लंब है, ये होगा मेरा आधार, और ये होगा मेरा कितना, कर्ण, और कर्ण की लंबाई दे रखी है मेरे को L, कोई डाउट नहीं, बच्चों वाला गेम है, बच्चों वाला टॉपिक है, क्लियर है ना। मेरे को जो चाहिए है, मेरे को चाहिए है ए जी, ओके। मैं टेन थीटा का कंसेप्ट यूज़ करता हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, टेन थीटा थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ओके। मैंने यूज़ किया त्रिभुज ए बी जी में, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है रे, लंब बटे आधार इज इक्वल टू, लंब की वैल्यू देखी मैंने, लंब ये हुआ मेरे पास, सॉरी ये हुआ मेरे पास लंब बी जी, ओके। कितना हुआ भाई मेरे पास, ये हुआ मेरे पास बी जी लंब बटे आधार, बी जी बटे ए जी, क्लियर है ना। यहाँ से मेरे पास निकला टेन थीटा इज इक्वल टू बी जी बटे बी जी, कोई वैल्यू नहीं दे रखी है, चलो खैर कोई बात ना, बी जी बटे ए जी कोई वैल्यू नहीं है, नो टेंशन। मैंने बी जी की वैल्यू निकाल ली, आगे काम आ जाएगी। बी जी बराबर हुआ मेरे पास ए जी टेन अल्फा टेन थीटा, एक रिजल्ट तो निकला मेरे पास ये। आगे देख रहा हूँ बेटा, दूसरे रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। दूसरे वाला जो ट्रायंगल मेरे को दे रखा है, ध्यान से देखना बेटा, मेरे को ट्रायंगल दे रखा है, एक तो ये है, एक यहाँ से ये है, और एक यहाँ से ये है, ध्यान से देखना। ये तो वाला पॉइंट मेरा एम है, ये वाला पॉइंट मेरा पी है, और ये वाला पॉइंट मेरा कितना है ए, छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, एम पी ए, ये वाली दूरी दे रखी है मेरे को ए, क्लियर है ना। और ये वाला एंगल मेरा कितना हुआ थीटा, थीटा के सामने हुआ ये मेरा लंब, ये हुआ मेरा आधार, और ये हुआ मेरा कितना, कर्ण, क्लियर है ना। ये दिया हुआ है मेरे को कर्ण, पी ए की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है। फिर मैंने टेन थीटा का यूज़ किया, मेरे पास होता है टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है रे, लंब बटे आधार। यहाँ से मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू निकली, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब पी एम बटे पी एम बटे ए एम ए एम, क्लियर है ना। मैंने यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू कितना निकला भाई, टेन थीटा पी एम, पी एम इज इक्वल टू निकला मेरे पास ए अपॉन ए एम। मैंने इसका क्रॉस गुणा किया, ये मेरे पास निकला ए एम टेन थीटा इज इक्वल टू ए, ए एम की वैल्यू निकाली, ए एम बराबर मेरे पास निकला ए अपॉन टेन थीटा, तो यहाँ से मेरे पास निकला ए एम बराबर ए इंटू कोट थीटा। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ओके। आगे चलता हूँ, अगले वाले पेज पर चलता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है। पहले तो इक्वेशन लिख लूँ मैं, उसके बाद बात करूँगा प्रिंसिपल वर्चुअल वर्क की। वर्चुअल वर्क की इक्वेशन जो मेरे पास है वो है 4W डेल्टा जी एम प्लस W डैश डेल्टा सी एम इज इक्वल टू ज़ीरो। और मेरे पास जो रिजल्ट एक निकला हुआ है, जिसका मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ए एम बराबर मेरे पास कितना निकला है भाई, ए कोट थीटा, क्लियर है ना। अब मैं बात करूँगा, फिर दूसरा ट्रायंगल उठा रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ बेटा, जो मेरे पास पुराना ट्रायंगल था, चलो खैर इसको एक तरफ रख दो आप, दूसरा ट्रायंगल उठाओ। फिर मैं ट्रायंगल उठाया वही पुराने वाला, ये तो मेरे पास बी है, ये मेरे पास कितना है भाई जी, ओके, और ये मेरे पास कितना है ए, ये वाला एंगल है मेरा थीटा,
यहाँ से यहाँ तक की दूरी मेरे को नहीं पता है, ये दे रखी है मेरे को L, क्लियर है ना। आगे देखता हूँ बेटा, यहाँ से मेरे को चाहिए है अगले वाली दूरी देखता हूँ। ओके ये हुआ मेरा इसके सामने लंब, ये हुआ मेरा आधार, ये हुआ मेरा कर्ण, कोई डाउट नहीं। ओके मैं कह रहा हूँ इसमें कोस थीटा का कंसेप्ट लगाओ। वहाँ पर देखो आप, कोस थीटा बराबर होता है आपके पास आधार बटे कर्ण, क्लियर है ना। आधार की वैल्यू देख रहा हूँ, आधार हुआ मेरे पास ए जी अपॉन, कर्ण की वैल्यू हुई मेरे पास ए बी, मैंने वैल्यू निकाल ली यहाँ से। कोस थीटा बराबर हुआ मेरे पास कितना भाई, ए जी की वैल्यू कोई नहीं है, ए जी अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है, एल दे रखी है, ए जी की वैल्यू कैलकुलेट की, ए जी बराबर मेरे पास निकला कितना, एल कोस थीटा, एल कोस थीटा, क्लियर है ना। ए जी ध्यान से देखना ग्राफ में, ए जी बराबर किसके है रहे? भाई जितनी दूरी है उतनी दूरी ये होगी, ए जी बराबर होगी मेरे पास सी जी के, सी जी बराबर होगा मेरे पास एल कोस थीटा, क्लियर। अब देखता हूँ मैं जी एम की बात कर रहा हूँ, पहले जी एम की बात कर रहा हूँ, सॉरी यार ये सी जी है, यहाँ पे ए जी बराबर है सी जी, गलती से गलती कर दी है, ये है मेरे पास सी जी, क्लियर है ना। दोबारा लिख रहा हूँ भाई, ए जी इज इक्वल टू कितनी है, सी जी बराबर है एल कॉस थीटा, आपको डाउट ना लगना चाहिए। मैं देखता हूँ पहले तो मेरे को चाहिए जी एम, देखो आप मेरे को कितनी चाहिए भाई, जी एम चाहिए, जी एम चाहिए, ये देखो आप यहाँ पे जी एम, ये दूरी जी एम जाहिर सी बात है मेरे पास होगी जी ए के अंदर से, अगर मैं जी ए के अंदर से, जी ए के अंदर से ए एम घटा दूँ, जी ए के अंदर से मैंने घटाई ए एम, क्लियर। जी ए की बात करता हूँ, जी ए मेरे को दे रखी है, पहले जी एम निकाल रहा हूँ, जी एम इज इक्वल टू जी ए मेरे पास कितना निकला है एल कोस थीटा माइनस ए एम की वैल्यू कितनी रखी हुई है, ए एम की वैल्यू रखी हुई है मेरे पास ए कोट थीटा, सपोज दैट मेरी इक्वेशन 1 आई, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, यूज़ करूँगा इस रिजल्ट का। आगे मेरे को चाहिए कितनी भाई, आगे जो मेरे को चाहिए है फिक्स पॉइंट तो ये है भाई, मेरे को चाहिए है सी एम, कितनी चाहिए मेरे को, मेरे को चाहिए है सी एम, ये देखो आप यहाँ दूरी कितनी चाहिए, सी एम की बात कर रहा हूँ भाई, सी एम यानी सी एम, ये वाली सी एम जो हो सकती है बेटा ध्यान से देखना आप, सी एम बराबर जो होगी, एक तो होगी जी एम के बराबर, क्लियर है ना, जी एम सी एम बराबर होगी जी एम प्लस जी सी, जी सी क्लियर है ना। सी एम इज इक्वल टू जी एम की वैल्यू कहीं ना कहीं रखी हुई है, जी एम की वैल्यू रखी हुई है, देखो आप जी एम इक्वेशन 1 कितनी रखी हुई है भाई, एल कोस थीटा माइनस ए कोट थीटा प्लस जी सी, जी सी कहीं ना कहीं होगी, ये देखो आप ये रखी हुई है जी सी, जी सी कितना है प्लस एल कोस थीटा, यहाँ से मेरे पास सी एम की वैल्यू निकली बेटा, सी एम बराबर एल कोस थीटा, एल कोस थीटा 2L कोस थीटा माइनस के ए कोट एल थीटा, इक्वेशन नंबर 2। कोई आपत्ति है? नो। आगे की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ भाई जो मेरे को चाहिए था, मेरे को सब कुछ मिल चुका है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क की बात कर रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में मेरे पास है 4W डेल्टा जी एम प्लस W डैश डेल्टा सी एम बराबर चाहिए मेरे को 0 के, दोनों वैल्यू मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। जी एम जहाँ जी एम बराबर कितनी है आपके सामने है, L कोस थीटा माइनस A कोट थीटा है, ओके।
और सी एम बराबर मेरे पास कितनी है रहे? सी एम बराबर मेरे पास आ रही है 2L cos थीटा माइनस a cot थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर ए। क्लियर है ना? मैं कह रहा हूँ कि दोनों के दोनों मान रखने पर, ध्यान से देखना बेटा, मैं कह रहा हूँ जी एम एंड सी एम का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करने पर देखता हूँ कितना आ रहा है भाई। ये तो आ रहा है मेरे पास 4W और ये निकला डेल्टा। डेल्टा के बाद कितना निकला भाई? एक रिजल्ट तो है जी एम एल कोस थीटा माइनस ए कोट थीटा क्लियर, प्लस के डब्लू डैश डेल्टा। सी एम की बात कर रहा हूँ, सी एम मेरे पास है 2L cos थीटा माइनस कितना है मेरे पास भाई? माइनस में है ए कोट थीटा बराबर किसके है? जीरो के है। आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे की तरफ चलता हूँ भाई यहाँ से। ये तो है मेरे पास 4W, डिफरेंशिएट करो इसको आप। जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, यहां से मेरे पास निकला माइनस के एल साइन थीटा निकला, कोट थीटा का होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के साथ, प्लस इसका डिफरेंशिएशन निकला ए कोसेक स्क्वायर थीटा क्लियर, प्लस ये हुआ मेरे पास डब्लू डैश। अगला वाला देख रहा हूं, ये मेरे पास हुआ माइनस के 2L sin थीटा और माइनस माइनस हुआ प्लस ए कोसेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, बराबर हुआ जीरो के। ओके, कोई अगर आपत्ति है, कोई अगर डाउट है मेरे से पूछ सकते हैं। यहाँ से देखो आप, अंदर गुणा करो पहले, तो मेरे पास निकला 4W माइनस में 4WL sin थीटा प्लस 4WA cosec स्क्वायर थीटा माइनस 2W L sin थीटा और प्लस कितना निकला भाई? प्लस हुआ मेरे पास कितना? W A cosec स्क्वायर थीटा और बराबर चल रहा है जीरो के। इस स्टेप के अंदर से और इस स्टेप के अंदर से मैंने L sin थीटा यहाँ भी है कॉमन ले लिया माइनस साइन के साथ, दोनों स्टेप के अंदर से माइनस L sin थीटा कॉमन ले लिया। देखता हूँ क्या बच रहा है, यहाँ से तो बचा मेरे पास 4W क्लियर, अगले वाला बचा मेरे पास 2W डैश यहाँ से बचा, और अगले वाले स्टेप के अंदर से प्लस इस वाले स्टेप के अंदर से और इस वाले स्टेप के अंदर से ए कोसेक स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया, ए कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन, कितना बचा मेरे पास भाई? यहाँ से जो मेरे पास बचा, ध्यान से देखना है, यहाँ से तो बचा 4W और प्लस के यहाँ से मेरे पास बचा डब्लू डैश और बराबर है ज़ीरो के। इस वाले को उधर ले जाओ या इस वाले को उधर ले जाओ, मैंने वही किया, माइनस के एल साइन थीटा, यहाँ आया मेरे पास 4W प्लस 2W डैश इज इक्वल टू माइनस, में उधर पहुँच गया माइनस के ए कोसेक स्क्वायर थीटा 4W प्लस के W डैश माइनस से माइनस कैंसिल, इसको इसके साथ उठा ला हमें, ध्यान से देखना है बेटा आपको। ओके, इसको इसके साथ उठा करके ला, साइन थीटा बटे ये हुआ मेरे पास कोसेक स्क्वायर थीटा और यहाँ मेरे पास कितना बच रहा है? L इंटू 4W प्लस 2W डैश बराबर, इधर मेरे पास बच रहा है A 4W प्लस W डैश क्लियर, साइन थीटा बटे
वन अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा कितना बना भाई, सीधा लिख रहा हूँ मैं, साइन की पावर थ्री थीटा, यहाँ निकला एल और ये हुआ मेरे पास फोर डब्लू प्लस टू डब्लू डैश इज इक्वल टू ए, और ये बना मेरे पास कितना भाई फोर डब्लू। फोर डब्लू के बाद अगले वाला स्टेप कितना निकला भाई, फोर डब्लू के जस्ट बाद निकला प्लस के डब्लू डैश। ओके, मैंने यहाँ से साइन की पावर थ्री थीटा की वैल्यू निकाली, साइन की पावर थ्री थीटा इज इक्वल टू, इधर मेरे पास बना ए फोर डब्लू प्लस के डब्लू डैश बटे एल फोर डब्लू प्लस के टू डब्लू डैश। क्लियर, देखता हूँ सिद्ध क्या करना था मेरे को। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति या कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मेरे को जो रिजल्ट चाहिए था वो ये चाहिए था, साइन की पावर, लास्ट रिजल्ट मैच करता हूँ बेटा, ये देखो आप, साइन की पावर थ्री थीटा, साइन की पावर थ्री थीटा इज इक्वल टू ए ए फोर डब्लू डब्लू डैश एल एल फोर डब्लू प्लस के टू डब्लू डैश। ओके, आपकी कोई आपत्ति हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। और हाँ बच्चों, प्लीज़ मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जो मेरा यहाँ लेक्चर मेरी क्लास अटेंड करते हैं, पढ़ते हैं और जो वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।